चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल वाली आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहें। वेल गाइस, आप देख रहे हैं टेक्नोमंत्रीस और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए बेल इंट्रो वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को बिना बोर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में यूट्यूब को ओपन करना है, तो चलिए हम यूट्यूब को ओपन करते हैं। यूट्यूब ओपन होने के बाद आपको यहाँ किसी दूसरे अकाउंट से साइन इन कर लेना है और उसके बाद आप अपने चैनल को सर्च करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ अपने चैनल टेक्नोमंत्रीस को सर्च करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने से पहले की स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद फिर एक स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्क्रीनशॉट लेना है। वेल फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो एडिटर को ओपन करना है। वेल, मैं यहाँ पर काइन मास्टर का यूज करने वाला हूँ, तो चलिए मैं काइन मास्टर को ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स, काइन मास्टर ओपन होने के बाद प्लस आइकन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद 16:9 पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको मीडिया पर क्लिक करना है और उसके बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद आप यहां किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं, तो मैं यहां पर व्हाइट कलर को यूज करने वाला हूं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इसकी लेंथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा लें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल फ्रेम को यूज करना है, जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लिंक पर सीधे क्लिक करके इस मोबाइल वाले फ्रेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, हमने यहाँ मोबाइल फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया है, तो चलिए हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेने के बाद आप इसकी लेंथ को पूरा बढ़ा ले पीछे तक और उसके बाद ओके पर क्लिक करें और फिर से उसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था उन स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अब यूज करना है। तो चलिए मैं पहले वाले स्क्रीनशॉट को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। स्क्रीनशॉट सिलेक्ट कर लेने के बाद आप स्क्रीनशॉट को अच्छे से मोबाइल फ्रेम पर एडजस्ट कर ले और उसके बाद फिर हम यहाँ दूसरे वाले स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि दूसरा वाला स्क्रीनशॉट अच्छा से एडजस्ट हो सके और उसमें किसी भी तरह के कट्स ना लगे। तो फिर से लेयर पर आपको क्लिक करना है और फिर से मीडिया पर क्लिक करें और फिर से आप दूसरे वाले स्क्रीनशॉट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको इनकी लेंथ को इतना लंबा नहीं रखना है, तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है और इसे आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है और उसके बाद फिर यहाँ हम तीसरे वाले स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें फिर से यहाँ अच्छे से एडजस्ट करना होगा टाइम लेयर में और फिर से लेयर पर क्लिक करें और मीडिया पर क्लिक करें और तीसरे वाले स्क्रीनशॉट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। वेल फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लगा लेने के बाद अब बारी आती है अपने ऑडियो को लगाने की। तो मैंने ऑलरेडी अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करके रखा है, तो चलिए मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। तो आपको ऑडियो पर क्लिक करना है और मैं अपनी ऑडियो को यहाँ सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो ऑडियो सिलेक्ट होने के बाद चलिए हम इसे थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ऑडियो यहाँ पर लग चुकी है। वेल फ्रेंड्स, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आती है हैंड आइकन की यूज करने को। तो चलिए मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। लेयर पर मैंने क्लिक किया और फिर से मीडिया पर मैं क्लिक करूंगा और मीडिया पर क्लिक करने के बाद हम ग्रीन स्क्रीन हैंड आइकन को यूज करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब उसके बाद आपको क्रोमा की को यूज करना है, तो मैंने इसे एनेबल करना है। तो जैसे आप एनेबल करेंगे, ये देखिए ग्रीन स्क्रीन हमारी रिमूव हो चुकी है। तो ये जो सामने वाली ब्लैक पोर्शन आ रही है, हम इसे थोड़ा सा कट लगा लेंगे। और उसके बाद आपको इसे अच्छे से एडजस्ट करना है। तो हम इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और जब हमारी सब्सक्राइब वाली लाइन आएगी तो हम सब्सक्राइब वाले आइकन पर इसे सेट कर लेंगे। अब जो बेल वाली आइकन आ रही है, तो फिर बेल वाली आइकन पर भी हमें एक हैंड आइकन को यूज करना है। तो हम इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे, तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में जो दिख रही है, और उसके बाद डुप्लीकेट पर आपको क्लिक कर देना है। और डुप्लीकेट पर क्लिक करने के बाद आप इसे ड्रैग करके सामने टान लें। और बेल वाली जगह पर आपको इसे एडजस्ट करना है। तो देखिए मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, तो इसे आप ध्यान से देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए हमने यहाँ ड्रैग कर लिया और फिर चलाते हैं, ये देखिए एकदम सॉलिड। और उसके बाद फिर ऑल पर जब हमारी बात आती है, तो ऑल पर फिर हम इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे इस लेयर की। तो फिर से सिलेक्ट किया और फिर थ्री डॉट और डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और इसे फिर हम सामने की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो ये देखिए ऑल पर हमें इसे ले जाना है, तो फिर से हम इसे थोड़ा ऊपर ड्रैग कर लेते हैं। तो ये देखिए अब अच्छा से हो गया, अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल वाली आइकन को प्रेस करके ऑन पर सेट कर दें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको तो वेल फ्रेंड्स, आपको मोबाइल फ्रेम और ग्रीन हैंड आइकन के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लिंक पर सीधे क्लिक करके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, इंट्रो वीडियो बनने के बाद अब बारी आती है कि हम इसे सेव कैसे करें। तो आपको लेफ्ट साइड में तीसरे नंबर पर शेयर पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप इसकी साइज को बढ़ा या कमा कर इसकी साइज को छोटे या बड़ा कर सकते हैं। तो चले हम इसे 5 MB की रखते हैं, और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे एक्सपोर्ट पर करने के बाद आपकी इंट्रो वीडियो सेव हो जाएगी। वेल फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन को ऑल पर सेट कर ले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।